नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हमारे खास प्रोग्राम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। आज बात भरतपुर जिले की सबसे बड़ी विधानसभा सीट नदबई की। क्या नदबई में विकास को रफ्तार मिली? क्षेत्रवासियों की कसौटी पर कितने खरे उतरे विधायक जोगिंदर सिंह अवाना? चुनाव के पहले विधायक के वादों और दावों की जानेंगे जमीनी हकीकत। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं दीपक पुरी और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विधायक रिपोर्ट कार्ड में नदबई विधानसभा क्षेत्र की, जहां से विधायक हैं जोगेंद्र सिंह अवाना, जो बसपा से चुनाव लड़े, उसके बाद जीते और अभी फिलहाल कांग्रेस में वो शामिल हैं और यहां से विधायक हैं। क्या क्या उन्होंने कामकाज कराए हैं, किस तरह से उनका जो 4.5 साल का कार्यकाल है वो रहा है। देखो, यहाँ गांव में तो कोई विकास हुआ नहीं है। सारे गांव में कीचड़ है, रास्ते बंद हैं, किसान अपने माल को लेकर के या बच्चे पढ़ने के लिए शहर में नहीं आ सकते। विकास के नाम पर तो यहाँ जनता के साथ इतनी धोखेबाजी हुई है, इतनी नाइंसाफी हुई है कि कुछ कह नहीं सकते। विकास कार्य खूब है, मसके बैरा मोड़ बार रोड बन गो, खेली बार बन गो, नदवी बार बन गो, लाट की सुविधा बढ़िया सुविधा है, कहीं कोई दिक्कत ना। बस ये तो चुनावी माहौल का बस दिखावा हो रहा है, बाकी का विकास का तो मुझे नहीं खोखला है। केवल कांग्रेस सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी आज ये योजनाएं चला रखी हैं, धरातल पर एक भी सत्य नहीं। नदबई विधानसभा के चारों तरफ के रोडों को देखें, कोई भी रोड अभी तक बन नहीं पाया है। 4.5 सालों में इन्होंने किया क्या है? भरतपुर जिले के नदबई का इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। पहले इस इलाके की पहचान आसिफाबाद के नाम से होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, नदबई की ऐतिहासिक और भौगोलिक तस्वीर भी बदलती गई। शिक्षा के क्षेत्र में इसकी अलग पहचान है। देश प्रदेश के लोग नदबई को मिनी कोटा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग ऑयल मिल और ईंट भट्टे के जरिए अपनी जीविका चलाते हैं। नदबई विधानसभा सीट चुनावी नतीजों को लेकर हमेशा से चर्चित रहती है, क्योंकि सीट पर कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा निर्दलियों का दबदबा रहा है। पिछले 5 चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1998 में यशवंत सिंह निर्दलीय निर्वाचित हुए, 2003 में कृष्णेंद्र कौर दीपा निर्दलीय विधायक बने, फिर 2008 में भी वो बीजेपी के टिकट पर दोबारा जीती, 2013 में बीजेपी की कृष्णेंद्र कौर दीपा तीसरी बार यहां से जीती, 2018 में बीएसपी से जोगिंदर सिंह अवाना विधायक बने। नदबई विधानसभा क्षेत्र में 2,83,000 के करीब मतदाता हैं। जाति आंकड़ों को देखें तो जाट वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, 98,000 जाट मतदाता, 40,000 जाटव मतदाता, 24,000 एससी मतदाता, 23,000 ब्राह्मण वोटर, 23,000 के करीब मालिक और कुशवाहा वोटर्स हैं, 22,000 गुर्जर मतदाता, 12,000 के करीब वैश्य मतदाता है, 40,000 के करीब बाकी मतदाता है। नदबई क्षेत्र में सबसे ज्यादा पेयजल, जर्जर सड़कें और बिजली कटौती का मुद्दा हावी रहा है। विधानसभा का ग्रामीण इलाका आज भी विकास से अछूता है। चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन सारे वादे हवा हवाई साबित हुए। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में आक्रोश है। नोएडा की तर्ज पर विकास का दावा अधूरा पड़ा है। ग्रामीण इलाकों की जर्जर सड़कें बड़ा मुद्दा है। पेयजल और बिजली कटौती का मुद्दा भी यहाँ हावी है। उन्होंने या कांग्रेस की सरकार ने जो वायदा किए किसानों के कर्ज माफ करने के लिए, बिजली की दरें और कम करने के लिए, क्योंकि ये पूरे काम नहीं हुए हैं ढंग से, और खाली जो मेरे पुराने काम है उन कामों को अमल कर जो ये कहते कि हमने कराया है। वही स्थानीय विधायक और देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना का दावा है कि नदबई और उज्जैन में जो काम कभी नहीं हुए वो उनके कार्यकाल में हुए। विधायक अवाना का दावा है कि नदबई में रिको मिनी फूड पार्क बनवाया, उप जिला अस्पताल, सीओ कार्यालय लाए, डेहरा नदबई 4 लेन, देवनारायण छात्रावास, 950 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण करवाया, साथ ही 22 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाए। लगभग 90% जो चीजें जो यहाँ के
क्षेत्र के लोगों ने, सम्मानित लोगों ने, जब जब मैं जहां जहां गया उनसे बात की, जो उन लोगों ने, सम्मानित लोगों ने मुझे बताया कि इन चीज़ों की आवश्यकता है, लगभग 90% मैं उसको कंप्लीट कर चुका हूं। और अभी समय है चुनाव में, निश्चित तौर पर जिस तरह से तेज गति के साथ में कार्य चल रहे हैं, आप स्वयं भी देख रहे होंगे, पूरे विधानसभा क्षेत्र का आपने दौरा किया है, वो भी लगभग कम्प्लीट की तरह। पीएसपी के टिकट पर जीत कराए जोगिंदर सिंह अवाना 16 सितंबर 2019 को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। उन्होंने 3 बार की विधायक और बीजेपी की दिग्गज नेता कृष्णेंद्र कौर दीपा को हराया था। अब देखना होगा कि नदवई में विकास का दम भर रहे जोगिंदर सिंह अवाना के लिए 2023 का चुनावी डगर कितना आसान होता है। मैं इस वक्त बाजार में हूं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि 4.5 साल से अधिक का समय हो चुका है, विधायक का कामकाज किस तरह का रहा है, ग्रामीण इलाकों में क्या समस्या है। विधायक का 4.5 साल से अधिक हो गया है, किस तरह देखते हैं विकास कार्यक्रम? देखो यार, गांव में तो कोई विकास हुआ नहीं, सारे गांव में कीचड़ है, रास्ते बंद है, किसान अपने माल को लेकर के या बच्चे पढ़ने के लिए शहर में नहीं आ सकते, पूरा किसान वर्ग यहाँ परेशान है, ना तो यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था होती है और इस तरह के सड़क तो बिल्कुल गांव-गांव में पूरी खराब पड़ी हुई है। शहरों में ही इन्होंने सड़क बनाई है, जो भाजपा के राज में जो है, जब यहाँ पर दीपा जी विधायक थी तब मंजूर हुई थी सरकार वसुंधरा के द्वारा, उस समय की चीजें, लेकिन यहाँ बनवा विधायक अवाना रहे, लेकिन यहाँ पर शहर में 2-4 सड़कों के अलावा कोई भी सड़क यहाँ नहीं बनी हुई है। गांव के लोग परेशान है, कोई भी सड़क यहाँ आसपास सब जगह है, भ्रष्टाचार और तानाशाही का राज नदवई के अंदर है, लगातार नदवई दंश झेल रही है। 4.5 साल से यहाँ पर जातिवाद के नाम पर लोग लड़ाना चाहते हैं, ये बड़ी एक विडम्बना है, क्योंकि यहाँ पब्लिक यहाँ बहुत दुखी है, बदलना चाहती है राज, अब की बात 2023 में यहाँ बदलाव चाहती है। विकास के नाम पर तो यहाँ जनता के साथ इतनी धोखेबाजी हुई है, इतनी नाइंसाफी हुई है कि कुछ कह नहीं सकते। आप जिधर भी जाओ, कहीं कोई सा भी गांव हो, नदवई के अंदर ऐसा गांव नहीं है जहाँ विकास तो कर विकास के इर्द गिर्द भी कुछ भी हुआ हो। यानी आप देखो, जहाँ गांव के अंदर कुछ अखबार न्यूज में भी आते हैं कि भाई वहाँ पर ये कीचड़ भरा हुआ है, यहाँ पर अब कुछ दिन पहले अलीपुर गांव था, उसमें कीचड़ भरा हुआ है, ये समस्या तो हर गांव की ये समस्या है। ऐसा पॉलिटिकल जो ये है, ऐसा ये अपने चुनावी के लिए करते हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं है। अब की बार नगरी की जो जनता है वो विकास के लिए अपना फैसला चाहती है और बदलना चाहती है अपना मत। किसान वर्ग से आते हैं, ये किस तरह देखते हैं विकास कार्यों को लेकर? क्या नदवई में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ ये, और विकास के लिए बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी को ही वोट देंगे हम। ये तो आप तो आम आदमी किसान वर्ग से आते हैं, पहले भी बीजेपी का राज रहा, किस तरह से मतलब ऐसे क्या उम्मीद है कि मतलब ये चेंज होगा? बीजेपी के राज में एक तो पक्षपात नहीं था किसी भी प्रकार का, अब के में क्या है कि पक्षपात रही है कुछ इस तरह से देखा गया है। किस तरह से देखते हैं नदवई के विकास को, किस तरह से देखते हैं आप? नदवई में तो विकास तो कर वह ग्रामीणों को तो सोचा है, आजकल तो ग्राम पंचायत में पैसा इतने मिले, योजना कोई किसी के पास कमी ना, तो सरपंच ना लगा में पैसा नहीं, रही बात सिटी की, बढ़िया काम करो, बढ़िया आदमी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विकास कार्य खूब गए मसके, बैरा मोड़ बार रोड बनो, खिल्ली बार बन गो, नदवी बार बन गो, लाट की सुविधा बढ़िया सुविधा है, कहीं कोई दिक्कत ना। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह देखते हैं आप विकास कार्यों को? देखो गांव में तो कोई विकास हुआ नहीं है, खाली नदवी में सभी रोड मतलब काम चालू है, सभी रोड है, डेहरा मोड़ वाला, कुमेर रोड है, खेली रोड है, सभी पे काम चालू है। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण जो इलाकों के रोड हैं वो खराब हैं, बाकी गांव में लाइट की भी सुविधा पूरी नहीं है, लाइट पूरी नहीं मिल पा रही है। और गांव के जो लोग हैं वो किसान वर्ग से आते हैं, उनको बिजली की और सड़क की, शिक्षा की बहुत जरूरी आवश्यकता रहती है, तो अब देखो गांव में बिजली भी चाहिए, रोड भी चाहिए, बच्चे स्कूल आते हैं तो उनका सुविधा रहती है, बहुत पैदल आने में या व्हीकल जाते हैं उनको भी, अभी नदवी में विकास हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। तो ये इनका कहना है लोगों का कि शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ कार्य कराए गए हैं, लेकिन ग्रामीण जो इलाका है वो अभी भी विकास कार्यों से अछूता है, और ऐसे में यहाँ की जो जनता है उसका कहना है कि इस बार जो बदलाव लाने की कोशिश है वो की जाएगी। यानी 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में जो लोगों का कहना है कि विधायक ने विकास कार्य नहीं कराए हैं, अभी भी सड़कों की हालत इस तरह है कि लोगों को शहर तक आने में बड़ी परेशानी होती है, और शहर में जो है कई रोड जो है बनाए गए हैं उनका काम चल रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि 4.5 साल के दौरान भी वो काम पूरे नहीं हुए हैं। और जो ये रोड सारे मैंने आपको गिनाए हैं,
किन सारे रोडों की जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी, वहां निकल नहीं पाते थे, बच्चे टू व्हीलर से चलते थे, दुर्घटना हो जाती थी अक्सर। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये तो कुछ सड़कें चंद मैंने आपको गिनवाई हैं, इनसे अलग मेरी विधानसभा में 950 करोड़ रुपए की सड़कें केवल और केवल नदवई विधानसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, जिन पर तेज गति के साथ में कार्य चल रहा है। और कुछ प्रक्रियाधीन है अभी, जिसपे कुछ चीज़ों पे अभी टेंडर लग चुके हैं, NIT लग चुकी है, उसमें अब जैसे ही NIT खुलेगी तो कार्य शुरू हो जाएंगे। कार्यालय तो कहीं भी खोल दो आप, पर सड़कों पर जाल कहाँ बचा है बस बिछाया। मैं तो ये कहूँगी जो बाईपास है, बाईपास पे पूरा आरओबी भी अभी तक नहीं बना, क्यों नहीं बना? माननीय मुख्यमंत्री जी तो घोषणा तो बहुत कर जाते हैं, पर काम कितने हो रहे हैं ये नहीं पता, क्योंकि अभी लोगों को कोई फायदा नहीं है कहीं भी। नदवई विधानसभा क्षेत्र के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें किसान वर्ग के लोग मौजूद हैं, युवा वर्ग मौजूद है, और यहाँ के जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, स्थानीय लोग नदवई क्षेत्र के, वो सभी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे किस तरह से कार्य कराए गए हैं, क्या क्या कार्य कराए गए हैं, क्या पहले से जो व्यवस्था है उनमें सुधार आया है, या फिर और किस तरह से जो है कार्य हुए हैं, लोगों के काम है वो कराए गए हैं या नहीं। युवा वर्ग हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में आपके विधायक हैं जोगिंद सिंह अवाना, किस तरह से काम कराए गए, किस तरह से देखते हैं आप उनको? कुछ काम नहीं कराया उन्होंने। किस तरह से वो 4.5 साल का उनका कार्यकाल रहा है? कैसा भी कुछ भी नहीं किया है उन्होंने नदवई विधानसभा के अंदर। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह देखते हैं आप 4.5 साल के कार्यकाल को? वो कहते हैं कि हमने सड़कें बनवाई, चिकित्सा व्यवस्था में सुधार किया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया, सभी को लेकर के वो बड़े बड़े वादे उनके दावे उनके साथ किए जाते। देखिए दावों का क्या है, दावे तो खारिज, उनके खारिज हैं पूरे के पूरे। इन्होंने जो समाज को बांटने का जो काम किया है, बिना स्वीकृति के समाज को तोड़ दिया, अलग दोनों समाजों में एकदम पहले वैचारिक मतभेद नहीं था, लेकिन इन्होंने वैचारिक मतभेद इतना बढ़ा दिया कि आज एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ा ये बात यह है कि लोगों में आपस में लड़वा दिया इन लोगों ने। आज आम इंसान चलो ठीक है रोड बनवा दिए, लेकिन रोडों पे बनवाने वाले अब व्यक्ति ही तो चलेंगे, अब उनमें ही आपस में एकता नहीं है, फूट डलवा दी, मरवा दिए दोनों जने आपस में, दोनों समाज क्या ऐसी ऐसा विकास चाहता है यहाँ का पब्लिक? नहीं तो ये उनके द्वारा तो कहा जाता है कि हमने यहाँ पे चाहे मूर्ति का मामला हो, हमने विकास कराया, चौराहों को सुदृढ़ किया, बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, इस तरह से उनके जो वादे हैं वो किए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल बनवाए, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे उनको क्रमोन्नत किया और जो 8वीं तक के थे उनको क्रमोन्नत किया, यानी कि वो कहते हैं कि जो पहले कभी विकास नहीं हुआ उस तरह से नदवई विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है। देखो विकास की तो सारी बातें मुझे तो लग रहा है खोखली है, जहाँ ये हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो वहां गंदगियों का अंबार है, ठीक है। जो गांव में जो हॉस्पिटल है उनमें मेडिकल की कोई भी सुविधा नहीं है, गांव से यहाँ आना पड़ता है, 10-10 किलोमीटर दूर गांव है, वहां गांव में स्थिति जाकर देखिए आप कहां, वहां विकास कहां है? यहां विकास कर दिया, पुताई करवा दी और विकास हो गया, केवल यही विकास है पुताई का? बस ये तो चुनावी माहौल का बस दिखावा हो रहा है, बाकी का विकास का तो मुझे नहीं, ये खोखला है, केवल भ्रष्टाचार का पूरा मामला है। बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे किस तरह से देखते हैं नदवई विधानसभा क्षेत्र के विकास को, किस तरह से विकास कार्य कराया, पहले की दृष्टि और अब की दृष्टि में किस तरह से फर्क नजर आ रहा है? पहले तो मैं आपके राजस्थान न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप जनता के बीच में आए और आपने ये मुद्दे उठाए, और भाई ने जो कहा है वो वास्तव में 100% सत्य है कि जोगिंदर अवाना ने नदवई विधानसभा के अंतर्गत पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार फैला रखा है, और आज किसी भी क्षेत्र में जाएं आप, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कांग्रेस सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी आज ये योजनाएं चला रखी हैं, धरातल पर एक भी सत्य नहीं है, सब झूठा जाल और जंजाल है। बहकावे में दुनिया को पहले ले लिया था, लेकिन अब बहकावे में दुनिया नहीं आने वाली है। हमारी विधानसभा नदबई ये निर्णय कर चुकी है कि कांग्रेस सरकार को यहां से उखाड़ के फेंकना है, इस भ्रष्टाचार सरकार को यहां से उखाड़ के फेंकना है। इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गांव गांव में आप जाके देखें, जनता त्राय त्राय मान है, गरीबों के लिए, दलितों की राजनीति। इस व्यक्ति ने केवल और केवल हमारी जातिगत राजनीति को और उजागर किया है, भाई भाइयों को लड़ाने का काम किया है इसने। उनका दावा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा विकास जो है वो नदवई विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। नदवई विधानसभा क्षेत्र में
लूट हुई है, विकास नहीं हुआ है। जितना भी पैसा इनको तो खुला छूट दे रखा है जंगल राज कि जाओ पब्लिक को लूटो। ये जो छह विधायक बसपा से मिलकर के कांग्रेस में आए, ये एक हनुमान का काम किया इन्होंने, गहलोत को बचाने का काम किया है। और सबसे ज्यादा लूट खूस इसने मचाई है और उनमें भी सबसे ज्यादा अवाना ने मचाई है, क्योंकि ये खुला जंगल राज है। आज सड़कों को देखो आप, ठोकर से उखड़ रही हैं। 10% लागत उसमें नहीं लगाई जा रही है, अपने ही ठेकेदारों से कार्य करवाया जा रहा है, कमीशन उसके फिक्स हैं, बिना कमीशन के कोई कार्य नहीं होगा। आज नगर पालिका देख लो आप, आज ये बरसात का मौसम है, आप देखें आप नदबई के अंतर्गत आप ये लगा लो आप, 2-2 फीट पानी मार्केट में भर जाता है। नगर पालिका को जो ये खुद संचालित करता है, कम से कम बरसात आने से पहले 2 महीने पहले नाले नदी सब साफ हो जाती है बिल्कुल, जिससे पानी का आगमन अच्छी तरह से निकल जाए। लेकिन आप देखो धरातल पे जाकर देखें आप, थोड़ी सी बरसात से आमजन बहुत परेशान हो जाता है, निकलना दूभर हो जाता है बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, नवदुबई विधानसभा क्षेत्र के लोग मौजूद हैं, किस तरह से देखते हैं विकास कार्य को आप, यहाँ से जो विधायक हैं जोगिन सिंह अवाना उनके विकास कार्य को? देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं, विकास के नाम पर खुली लूट चल रही है। आज जितने भी गलियों में रोड बन रहे हैं वो अपने ठेकेदारों को, अपने निजी आदमियों को लाभ पहुंचाने के लिए दिए जा रहे हैं। उनमें बजरी नाम की कोई चीज नहीं लग रही है। क्रेशर से रोड बन रहे हैं, वो एक बारिश में धुल रहे हैं, खुल रहे हैं। और नदबई विधानसभा के चारों तरफ के रोडों को देखें, कोई भी रोड अभी तक बन नहीं पाया है 4.5 सालों में इन्होंने किया है। विकास किस किए कहते हैं? आज कोई भी सरकारी कार्यालय देख लो, उनमें जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं के नाम पर मिट्टी हो रही है, उनमें कोई टॉयलेट नहीं जा सकता, सफाई के नाम पर सारी व्यवस्थाएं खराब हैं। इनके सफाई के नाम पर बहुत बड़े बड़े टेंडर उठ रहे हैं, लाइटों के टेंडर उठ रहे हैं, लाइट की व्यवस्थाएं सब खराब हैं। और किधर भी देख लें आप, शिक्षा के उसमें देख लें आप, टीचरों को टिकने नहीं दिया जाता है, कभी किसी को एपीओ करा दिया, किसी का ट्रांसफर करा दिया। अब उसकी बात करते हैं पुलिस प्रशासन की, खुलेआम आप देख रहे हैं मर्डर हो रहे हैं। बाईपास 4.5 सालों में इन पे बन नहीं पाया है, चारों तरफ के रोड खुदे पड़े हैं। आप कुमेर वाले रोड पे चले जाइए, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है। पैसे लूट मचा रखी है इन्होंने, तो केवल लूट मचा रखी है। आपने हम भाई भाइयों में बांटने का काम कर रहे हैं, ये दो समुदायों को बांटने का काम कर रहे हैं, जातिगत भावना के आधार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। और ये अब पब्लिक यहाँ होशियार हो चुकी है, एक मत हो चुकी है, आने वाले समय में कांग्रेस का बिल्कुल पत्ता साफ करके रहेंगे और बीजेपी का परचम दोबारा फहरा के रहेंगे। युवा वर्ग हमारे साथ मौजूद है, रोजगार की समस्या प्रमुख रहती है, किस तरह से देखते हैं आप, क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किस तरह से जो वादे किए थे क्या है? जो वादे किए थे उन पर तो बिल्कुल भी नहीं ठहरे हैं, कोई रोजगार नहीं है नदबई में। नदबई में तो कोई रोजगार नहीं है। और क्या क्या समस्या है नदबई की, जिनको जो है विधायक ने कहा था कि उनको ठीक कराएंगे, कराया या नहीं कराया? वादे तो बहुत से किए थे पर एक भी हमें तो दिखा नहीं है कि जो पूरा हो गया है। भाई ने भी बताए थे, सर ने भी बताए थे, मेरे को तो कुछ नहीं लगता है कि कुछ हुआ है नदबई में। बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, नदबई विधानसभा क्षेत्र के लोग मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या किस तरह देखते हैं यहाँ के विकास कार्यों को आप, कितने विकास कार्य हुए हैं? क्योंकि दावा किया जाता है कि बड़े बड़े यहाँ पर जो है कार्यालय खोले गए हैं, चाहे वो एडिशनल कार्यालय हो नदबई विधानसभा क्षेत्र में, सीओ कार्यालय हो, थाने हो, इस तरह के विकास कार्यों के दावे किए जाते हैं। कुछ नहीं है सर, नाम मात्र के कार्यालय हैं ये, इनमें कुछ भी कोई तरह का विकास नहीं किया गया है। जो सर ने अभी बताया